welcome to my online tutorial. This is standard 7 subject English literature chapter 1 topic a world for all wonder part 3 lecture number 36. So today we will continue the topic. Okay, first of all these are some words. Please find out the meaning from your dictionaries. Realize, describe, petrified, probably, mermaid, exactly, fake. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह ऑगस्ट अपने बारे और परिवार के बारे बताता है. वो बताता है कि किस तरह वो 10 साल तक स्कूल नहीं गया. अब सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि उसका एक नया दोस्त समर उसके बारे बता रहा है. ही इज़ गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑगस्ट. ओके, प्लीज़ टेक पेज नंबर 9. समर वायर्ड किड्स. वायर्ड यानी अजीब. Some kids have actually come out and asked me why I hang out with the freak so much. These are the kids who don't even know him well. If they knew him, they couldn't call him that. तो इसमें समर बता रहा है कि कुछ बच्चे मेरे पास आते थे और पूछते थे कि क्यों मैं उस अजीब सा दिखने वाला बच्चा जो ऑगस्ट है उसके साथ रहता हूँ. वे बच्चे उसे अच्छी तरह नहीं जानते हैं, इसीलिए वे इस तरह की बातें करते हैं. अगर वो जानते तो इस तरह की बातें नहीं करते. बिकॉज ही इज़ नाइस किड आई ऑलवेज आंसर देम. तो समर कह रहा है कि जब बच्चे आते थे मेरे पास और पूछते थे कि क्यों मैं उसके साथ रहता हूँ, तो मैं यही कहता था हमेशा कि मैं रहता हूँ चूँकि ऑगस्ट एक अच्छा बच्चा है. एंड डोंट कॉल हिम दैट. और समर उनसे कहता था कि आप भी उसके साथ अच्छी तरह पेश आइए, उसे बुरा नाम से मत पुकारिए. You are a saint, Summer, Jemina Chin said to me the other day. I couldn't do what you are doing. दूसरे दिन जेमिना नाम की एक लड़की आई मेरे पास और कहने लगी कि समर तुम तो संत हो, जो तुम कर रहे हो मैं नहीं कर सकती. मैंने जिस जो काम तुम समर के लिए कर रहे हो मुझसे तो नहीं होता. It's not a big deal, I answered her truthfully. तब मैंने उसे कहा कि ये जो मैं कर रहा हूँ कोई बड़ी बात नहीं है. जूलियन हैड निकनेम्ड हिम द जुम्बी किट. और एक लड़का है जूलियन जो ऑगस्ट को निकनेम रखा था जुम्बी किट. एंड दैट्स व्हाट एवरीवन वाज कॉलिंग हिम. और ये इसी नाम से दूसरे बच्चे भी उसे पुकारते थे. डू यू सी द जुम्बी किट एट. सभी बच्चे कहते थे कि जुम्बी किट को क्या तुमने देखा है. स्टफ लाइक दैट गेट्स अराउंड फास्ट. और इस तरह जो उसका निकनेम था चारों तरफ फैल गया. सभी बच्चे कहने लगे. एंड ऑगस्ट न्यू इट. और ऑगस्ट जानता था. It's hard enough being the new kid even when you have a normal face. और इसमें समर कह रहा है कि जो नया बच्चा जो स्कूल में आया था उसके लिए कितना मुश्किल घड़ी था होगा. और ये एक नॉर्मल चेहरा के लिए भी हो सकता है. Imagine having his face. और सोच सकते हैं कि ऑगस्ट का जो फेस था वो नॉर्मल नहीं था. वो किस तरह महसूस कर रहा था होगा जब बच्चे उसे चिढ़ाते थे. He is just a kid. The weirdest looking kids I have ever seen. Yes, but just a kid. समर कहता है कि वो भी ऑगस्ट भी एक बच्चा ही था. हालांकि लुकिंग जो था उसका फेस अजीब लगता था. मैंने भी उस तरह का बच्चा कभी नहीं देखा था, लेकिन एक बच्चा ही था वो भी था. I do admit ऑगस्ट face takes some getting used to. इसमें समर कह रहा है कि मुझे भी ऑगस्ट का चेहरा जो देखा पहली बार तो मुझे भी अजीब लगा, लेकिन बाद में आदत सी हो गई. आई हैव बीन सिटिंग विथ हिम फॉर 2 वीक्स नाउ. और ये कहता है कि मैं अभी पिछले 2 सप्ताह से उसके साथ क्लास में बैठ रहा हूँ. एंड लेट्स जस्ट से ही इज़ नॉट द नीटेस्ट ईटर इन द वर्ल्ड. और समर कहता है कि मैं 2 सप्ताह में मैं जान पाया कि वो अच्छी तरह से खाना नहीं खाता है. बट अदर देन दैट ही इज़ प्रीटी नाइस. और वो अच्छा बच्चा है. आई शुड ऑल्सो से दैट डोंट रियली फील सॉरी फॉर हीम एनी मोर. और समर कहता है कि मुझे भी उसके साथ रहने में कोई कठिनाई नहीं है, मुझे कोई सॉरी फील नहीं होता है. आई कीप सिटिंग डाउन विथ हीम बिकॉज ही इज़ फन. समर कहता है कि उसके साथ बैठने में मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई हैड वॉर्न मॉम अबाउट ऑगस्ट फेस. मैंने अपनी माँ को बहुत बार बताया था कि ऑगस्ट का चेहरा किस तरह है. आई हैड डिस्क्राइब्ड अबाउट ही लुक्ड लाइक. मैंने उसे भी बताया था कि वो किस तरह दिखता है.
I did this because I knew she is not always so good at faking her feelings. मैं उसे इसलिए बताया था क्योंकि वो बहुत बार अपनी भावनाओं को फीका करने में अच्छी नहीं है, मतलब उनकी जो भावना थी उसको छिपा नहीं सकती थी. एंड ऑगस्ट वॉज कमिंग ओवर फॉर द फर्स्ट टाइम टूडे. और समर कह रहा है कि आज उसके घर में ऑगस्ट पहली बार आ रहा है. बट आई could tell from the expression on her face when she came home after work that I hadn't prepared her enough. लेकिन इस समर बता रहा है कि जब मेरी माँ काम करने के बाद आई घर और जब वो ऑगस्ट को देखा तो उसका जो फेस का एक्सप्रेशन था उसे देखकर मैं समझ गया कि मैं उसे अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाया था. मतलब उसका चेहरा देखने से लगता था कि उसकी माँ ऑगस्ट को देखकर खुश नहीं थी. ओके चिल्ड्रन, आज के लिए यहीं तक. अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे. हैव ए नाइस डे.